नमस्कार, मैं हूं चंद्रदेव बनवाल। आप देख रहे हैं जेबीजे न्यूज़ 24। दर्शकों, वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री पीयूष बनवाल के निर्देश पर वन पदाधिकारी झाझा एवं सोनो के द्वारा सोनो प्रखंड क्षेत्रों में अवैध रूप से चलाए जा रहे कई आरा मिलों पर ना सिर्फ छापामारी अभियान चलाया गया है, बल्कि सभी आरा मिलों में लगे कल पुर्जों को जेसीबी वाहनों के द्वारा उखाड़ ली गई है तथा सभी आरा मिल के समीप बड़ी संख्या में जंगलों से काटकर रखी गई विभिन्न प्रजातियों के लाखों रुपये मूल्य की अवैध लकड़ियों को जब्त कर लिया गया है। जब्त किए गए आरा मिलों के मालिक सारेबाग गांव निवासी अनिल मिस्त्री एवं कारू मिस्त्री तथा चपरी गांव निवासी मोहन शर्मा के अलावा लखन क्यारी गांव निवासी सुदामा मंडल के रूप में की गई है। छापेमारी अभियान में वन प्रमंडल पदाधिकारी DFO श्री पीयूष बनवाल के साथ ACF मेघा जाधव, रेंजर उदय शंकर, झाझा फॉरेस्टर रवि कुमार, बटिया फॉरेस्टर अनिल कुमार, जमुई फॉरेस्टर दिनेश सिंह एवं फॉरेस्टर गार्ड शिवशंकर, अखिलेश, अजय, पूजा, रूपम, गुंजा सहित अन्य वनकर्मी शामिल थे। दर्शकों, प्राप्त जानकारी के अनुसार लखन क्यारी गाँव से जब्त किया गया आरा मशीन के सभी कल पुर्जों सहित लकड़ियों को जहाँ वन परिसर बटिया भेज दिया गया है, वहीं सारेबाग एवं चपरी गांव से उखाड़े गए सभी आरा मशीन के कल पुर्जों एवं जब्त लकड़ियों को वन परिसर जम्मू भेज दिया गया है। दर्शकों, वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किए गए इस कार्रवाई से अवैध तरीके से वनों को खोखला कर रहे माफियाओं में जहां हड़कंप मची हुई है, वहीं इस कार्रवाई में विभाग को प्रतिदिन हो रही लाखों रुपये के नुकसान से राहत मिली है। दर्शकों, अब आप देखिए वन विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्रवाई को। यदि यह खबर अच्छी लगे और आप भी चाहते हैं कि वनों की रक्षा होना चाहिए तो इस खबर को अंत तक जरूर देखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली खबर सच्चाई के साथ लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित रहूँगा। Thank you.